और दोस्तों अभी आ गए हैं रूम में यार, इतना गर्मी था बाहर, थोड़ा सा बैठे थे, देखिए कितना पसीना ये देखिए। और अभी देखिए ये वाला रूम जो है ना वो कॉर्केट का रूम है, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर बैठे हुए इतना पसीना आप देख सकते हो, बाप रे, पंखा इसमें नहीं है। और दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे साथ मेरे हस्बैंड नहीं है, और आप लोग पिछले दो ब्लॉग में देखे होंगे कि मेरे हस्बैंड साथ में नहीं आ रहे हैं, है ना, तो उसका रीज़न आप लोग को बता देते हैं कल ही बात। और देखिए दोस्तों मेरा जो कबूतर है यहाँ से उड़ करके और वहाँ गए हैं पानी पीने के लिए, लेकिन एक गलती किए हैं कि आज उन लोग को हम पानी नहीं दिए, देखिए थाली बिल्कुल खाली है। चलिए पानी हम भर दिए, अभी लोग को देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है, सभी को देखिएगा उतरेगा अभी पीने के लिए। आ आ आ आ आ आ, ए बाबू धूप में क्यों बैठा है, इधर रो ना बेटा, इधर रो, देखना धूप में बैठ के देखेगा, इधर साइड होके देखो। हाँ अब बाबू यहाँ फुटबॉल में हवा भर रहा है, इसको देख लीजिए, ये ऋतिक रोशन है फिल्म इंडस्ट्री का, इसीलिए छुप जाता है क्योंकि ये देखिए सबको पहचान के इसको फेमस मत कर दीजिएगा, देख लीजिए इसको। हाँ उठा लेते हैं और इसको बिछा, क्या कर रहा है, साइकिलिंग, इसका तो अलग ही अंदाज रहता है, लग जाएगा तो बच्चा ठीक। तो ये आ गए थे किचन, तो ये देखिए बर्तन वर्तन धो लिए हैं, अच्छे से साफ सफाई कर लिए हैं, और चलिए जोहर दोस्तों, कैसे हैं आप, आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30, और अभी देखिए नहा वहा के हम निकले थे बाहर, तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और धूप देख सकते हैं कितना ही खतरनाक निकला हुआ, लू वाला धूप एकदम पीला पीला नज़र आ रहा। और अभी चलिए नहा वहा के कपड़ा हम पसारने निकले थे, ये देखिए कपड़ा उधर धो के पसार दिए हैं, तो सोचे चलिए ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। और आप लोग को दिखाते हैं ये वाला जो मनी प्लांट है ना, ये मैंगो का पेड़ है, यानी आम का पेड़ है, उसी में मनी प्लांट सब चढ़ा हुआ है। अब पता चलिए दिखाते हैं आप लोग को आम कितना बड़ा बड़ा हो गया है, सो देखिए एक ठो दिख रहा, ये देखिए इतना बड़ा एक ठो हुआ है। और ये वाला पेड़ में दिखता नहीं है लेकिन अंदर अंदर में बहुत रहता है, अरे बहुत ही बड़ा फलता। और ये बहुत ज़्यादा धूप, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, और कैसे कपड़ा हम पहनेंगे, पूरा क्रीज है, प्रेस नहीं लगा हुआ, अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम पहन लिए, देखिए पहन लिए। और ये सब देखिए पेड़ सब, इसमें पानी डालना, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें क्योंकि सारा रोज डालना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, तो चलिए इसमें पानी डाल देते हैं, इन लोग को भी पानी पीने का जरूरत है थोड़ा थोड़ा से। और ये वाला केला का पेड़ जो है ना, ये 100 प्लांट है, छोटा छोटा फलता है। और इधर कपड़ा सब सब पसार दिए हैं, चलिए बाल्टी उठा कर देते हैं, बाबू का गाड़ी इधर कर देते हैं, धूप में खराब हो जाएगा। तो दोस्तों बाहर बहुत धूप है, चलिए अंदर चलते हैं, आप लोग को दिखा दें कितना ही खतरनाक धूप निकला हुआ है, सारा सुनसान है, कोई नज़र नहीं आ रहा बाहर में। चलिए गेट को बंद कर लेते हैं, बंद कर, चलिए अंदर आ गए हैं,
बंद कर दिए, थोड़ा सा भी बाहर रहे तो गर्मी देने लगा। चलिए अभी यहाँ सोफा में बैठ जाते हैं, है ना, नहाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ठीक लगता है, उसमें फिर से गर्मी देना शुरू हो जाता है ना। तो ये वाला बोरी आप देख रहे होंगे, तो इसमें चावल है थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो यहीं से निकाल निकाल के हम लोग खा रहे हैं, घर का चावल है, सोचे यहीं से ख़त्म ही कर देते हैं, और क्या डब्बा बम रखने जाएंगे, थोड़ा सा और बचा हुआ है। और इधर बाबू आ गया है, आ जा, चलो गुड आफ्टरनून बोलो। गुड आफ्टरनून। पहले दरवाज़ा बंद करो, टीवी का आवाज़ आ रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा, दरवाज़ा बंद कर लिया क्योंकि टीवी चल रहा था। हाँ तो बाबू भी स्कूल से आ गया है, इसका बैग देखिए यहाँ है, ये देखिए इसका बैग करने वाला बैग है ना। आ जाओ बैठो, और हम लोग दोनों जन येल्लो येल्लो पहने हुए है ना। आज स्कूल में क्या क्या पढ़ा स्कूल में? बताओ। नहीं आते यार, कुछ तो याद नहीं आ रहा। कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ तो याद होगा, ABCD नहीं पढ़े, 1 2 नहीं, कुछ नहीं। यहाँ गर्मी लग रही है, देखिए ये कॉर्केट वाला सीट है फ्रेंड, देख सकते हैं आप इस तरह से, और यहाँ पर बैठने से पूरा पसीना आने लगेगा। इसे तो ऊपर जा, रूम में जा, पंखा पास जा, जा बेटा। और बाबू उधर चल गया, दरवाजा बंद कर दो, बंद कर दो, वेरी गुड। सो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, दो दिन से जो ब्लॉग हम बना रहे हैं उसमें मेरे हस्बैंड नहीं है, नहीं आ रहे हैं, और आज भी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो उसमें भी मेरे हस्बैंड नहीं है मेरे साथ में, है ना। तो आप लोग रीज़न बता देते हैं उनसे, अब पता नहीं, मतलब कल उनसे बोले थे कि ब्लॉग में आइए, उनको ले रहे थे तभी वो बोले कि अपना ब्लॉग में खुद तुम रहो और अपना खुद से तुम डालो, मेरा मत लो, है ना। तो इसीलिए अब वो मेरे ब्लॉग में नहीं आएंगे, अब खुद हम अकेले ही ब्लॉग बनाएंगे, और आप लोग सी सकते हैं, मेरे हाथ में दर्द होने लगा, अब मोबाइल पकड़ने से मेरे हाथ में दर्द होता है ना। तो ठीक है, जब बाबू अभी आ गया है, क्या बोलना चाहता है बोलो। लेकिन हाँ मेरे ब्लॉग में बाबू रहेगा ना, तुम तुम रहे आएगा ना मेरे ब्लॉग में। तो बाबू मेरा ब्लॉग में आएगा और हम दोनों ही अब से ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा? अगर यदि अच्छा लगा तो ढेर सारा लाइक कीजिए, ओके, और चैनल में आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हाँ, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ तो कल फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।